लेके आती हूँ रोचक राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री की बहुत सी मजबूत और रोचक तथ्य जो आपकी परीक्षा में आपके सहायक बनते हैं। मित्रों, मैं और भी आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना पड़ेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने मित्रों में इसे शेयर करें। मित्रों, आज हम जानेंगे राजस्थान इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जिनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह। और मित्रों, ये अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के पुत्र थे। वीर अमर सिंह के बारे में जानते हैं, इनके साथ साथ जानेंगे मित्रों अमर सिंह के टाइम की मेवाड़ की राजनीति और मेवाड़ की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इस सब बातों के बारे में जानते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं अमर सिंह से। मित्रों, अमर सिंह का जो जन्म है अमर सिंह का जो काल है मित्रों, वो 1597 से लेकर 1620 तक का जो टाइम है वो इनके अमर सिंह का काल कहा जाता है। और इस टाइम में मित्रों अमर सिंह ने मेवाड़ की राजनीति को किस तरह संभाला। महाराणा प्रताप जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी इस वक्त, और इन्होंने मेवाड़ की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन किए और अपने हिसाब से इसको कैसे मुगलों की अधीनता से बताया। तो मित्रों, अमर सिंह का जो जन्म है 16 मार्च 1559 को होता है। 16 मार्च 1559 को अमर सिंह का जन्म होता है। और महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ के शासक बनते हैं। अब बात करें मित्रों अमर सिंह के शासक बनने की, तो ये शासक बनते हैं 1597 में, और इनका जो राज्य अभिषेक वो होता है चावंड। चावंड मित्रों जो मेवाड़ की काफ़ी वर्षों तक राजधानी रही है, जिसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। लगभग 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रहने का गौरव प्राप्त है चावंड को। 28 वर्ष नहीं तो मित्रों 12 वर्ष तक तो पक्की ये जो थी मेवाड़ की राजधानी रही। 12 वर्षों तक ये मेवाड़ की राजधानी रही। मित्रों, मुगल बादशाह अकबर जो सलीम के, जब अमर सिंह शासक बन जाते हैं तो मुगल बादशाह अकबर क्या करता है, अपने पुत्र जिसका वास्तविक नाम मित्रों जहांगीर था, जहांगीर को मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश देता है। और ये आदेश कब देता है, 1599 में। अपने पिता के आदेश पर सलीम जो है आक्रमण के लिए निकल पड़ता है और मेवाड़ के एक स्थान जिसका नाम होता है उंटाला। क्या नाम है मित्रों? उंटाला नामक स्थान पर मेवाड़ी और मुगल सेना के बीच जमकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में मित्रों मुगल सेना जो है वो हार जाती है और सलीम जो हार का सामना करते हुए वापस मित्रों दिल्ली लौट जाता है। मित्रों, ये जो मुगल आक्रमण था ये आखिरी आक्रमण नहीं था मेवाड़ को अधीन बनाने के लिए। वस्तुतः मुगल जो है वो बार बार प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में 1605 ईस्वी में जब जहांगीर अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर शासक बनता है तो वह भी मेवाड़ की राजनीति में गहरी रुचि लेने लगता है और मेवाड़ को अपने अधीन करने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में 1605 ईस्वी में ही जहांगीर अपने दूसरे पुत्र जिसका नाम होता है परवेज को मित्रों मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। देबारी जो एक स्थान है मित्रों उदयपुर जिले का देबारी नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। किसके मध्य है मित्रों? अमर सिंह की सेना और जो उसका जहांगीर का दूसरा पुत्र परवेज होता है, इनके मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में मित्रों अनिर्णायक रहता है ये। इस युद्ध में ना तो कोई जीतता है और ना ही कोई हारता है। इस तरह मित्रों मुगल जो है मेवाड़ पर अधिकार करने में सक्षम नहीं हो पाते। जहांगीर मित्रों 1608 में एक पहावत खां नामक सैन्य अधिकारी होता है, इसको आक्रमण करने के लिए भेजता है मेवाड़ पर। लेकिन महावत खां को भी इसमें सफलता नहीं मिल पाती है मित्रों। फिर क्या होता है, हार कर जहांगीर जो है वो स्वयं निकल पड़ता है मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए, मेवाड़ पर आक्रमण कर मेवाड़ को जीतने के लिए। और ये काम करता है वो 1613 ईस्वी में मित्रों। इसी स्थिति के दौरान जो ये जहांगीर है वो दिल्ली से रवाना होकर अजमेर पहुंचता है। अजमेर में अपने पुत्र जिसका नाम होता है खुर्रम, मित्रों खुर्रम को शाहजा कहते हैं हम, और ये शाहजा जो है इसको मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश देता है सलीम। इसके साथ साथ मित्रों ये जो मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना को भी अपने पास बुलाता है जहांगीर, और एक बहुत बड़ी सेना देकर खुर्रम और अब्दुल रहीम खाने खाना को
मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए रवाना करता है और दो सख्त आदेश जारी करता है जहांगीर। पहला आदेश कौन सा होता है कि मेवाड़ में जो खेत खलिहान है उनको जलाकर राख कर दिया जाए, खेत खलिहानों को जलाकर राख कर दिया जाए। अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि खेत खलिहानों को जलाने का आदेश आखिर जहांगीर ने क्यों दिया, क्योंकि जहांगीर चाहता था कि खेत खलिहानों को अगर जला दिया जाएगा तो उससे होने वाली जो अनाज है वो मेवाड़ के लोगों को नहीं मिल पाएगी और मेवाड़ की जनता है वो भूख से स्वतः मर जाएगी। लेकिन ये जो आदेश था, इस आदेश से मेवाड़ की जो जनता थी इसमें मुगलों के प्रति तीव्र आक्रोश जो है वो पैदा हो गया। दूसरा जो मित्रों आदेश दिया जहांगीर ने कि मेवाड़ में जो भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दो, उसको मार दो। मुगल सेना की इस आदेश से मित्रों मेवाड़ की जो जनता थी उसमें आक्रोश भी था और घबराहट भी थी। घबराहट इसलिए थी कि इतने वर्षों से मुगलों के आक्रमणों को सहन करते करते मेवाड़ की जो स्थिति थी वो आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी, दयनीय हो गई थी और मेवाड़ की जो जनता थी वह कर्राह थी। मुगलों ने मेवाड़ की स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इतना होने पर भी मित्रों अमर सिंह जो थे वो धैर्य और संयम बनाकर रखे हुए थे, धैर्य और संयम बनाकर रखे हुए थे और मित्रों किसी भी हालात में मुगलों की जो अधीनता थी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मित्रों यह सब देखकर अमर सिंह का जो पुत्र था जिसका नाम था कर्ण सिंह, अमर सिंह के पुत्र का क्या नाम था, कर्ण सिंह। मित्रों कर्ण सिंह जो है वो कुछ मेवाड़ी सरदार उनके पास जाते हैं, अमर सिंह के पास। कर्ण सिंह और मेवाड़ी सरदार मेवाड़ की दयनीय दशा को देखते हुए अमर सिंह के पास जाते हैं और उनसे मुगलों से संधि करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इस वक्त जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है तो मुगलों से संधि करना ही हमारे लिए श्रेष्ठ जो रास्ता है वो होगा। तो अमर सिंह जो है मित्रों पहले तो इस बात को लेकर राजी नहीं होते हैं उन, लेकिन फिर अमर सिंह जो है इनकी इच्छा का सम्मान करते हैं और हरिदास झाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मेवाड़ का सामंत मित्रों, जिसका नाम होता है हरिदास झाला और इसके साथ एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था शुभकरण। इस शुभकरण और हरिदास झाला को भेजते हैं गोविंदा में ठहरे हुए खुर्रम यानी शाहजा के पास कि हम आपसे मेवाड़ जो है आपसे संधि करना चाहता है। शहजादा खुर्रम जो है मित्रों इस संधि का प्रस्ताव जो है वो दिल्ली पहुंचा देता है किसके साथ, मुल्ला शकुल्ला शिराजी के साथ। मुल्ला शकुल्ला शिराजी के हाथ। इसके साथ साथ मित्रों सुंदरदास भी उनके साथ होता है और इन दोनों के हाथों अजमेर जो जहांगीर जहाँ पे ठहरा होता है अजमेर में वहां ये संधि का प्रस्ताव जो है वो खुर्रम द्वारा भिजवा दिया जाता है। जहांगीर इस संधि प्रस्ताव को स्वीकृत करते हैं और अपने चिन्ह के साथ खुर्रम के पास भिजवा देते हैं कि हम संधि करने के लिए तैयार है। इस तरह मित्रों मुगल मेवाड़ संधि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, उसका रास्ता बन जाता है और लगभग 1615 इस टाइम में मित्रों ये मुगल मेवाड़ संधि जो है वो संपन्न होती है। मित्रों संधि की शर्तों के बारे में जाने तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संधि के तहत मित्रों क्या क्या शर्तें रखी गई, अमर सिंह और जहांगीर के मध्य मित्रों कुछ शर्तें तय हुई, वो शर्तें क्या थी, तो इसमें जो पहली शर्त थी वो ये थी कि मित्रों स्वयं महाराणा जो है, पहली शर्त क्या थी कि महाराणा जो है वो स्वयं कभी भी मित्रों दरबार में उपस्थित नहीं होगा। यद्यपि महाराणा मेवाड़ का महाराणा जो है अकबर के समक्ष आकर संधि करेगा, दरबार में खुर्रम के समक्ष आकर संधि करेगा, लेकिन वह कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा बल्कि उसका ज्येष्ठ पुत्र ही मुगल दरबार में उपस्थित होगा। मुगल दरबार में सर्वप्रथम मित्रों मेवाड़ की ओर से अमर सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण सिंह गया, यानी कि अमर सिंह जो थे वो कभी भी मुगल दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं गए मित्रों। और संधि की जो दूसरी शर्त थी वो क्या थी कि चित्तौड़ का जो किला है वो मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, यानी कि अभी तक ये मुगलों के अधीन था, मुगलों का इस पर अधिकार था, लेकिन अब चित्तौड़ का किला जो है वो मेवाड़ के महाराणा को लौटा दिया जाएगा, परंतु इस शर्त पर कि भविष्य में इसकी कभी भी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, भविष्य में मेवाड़ का महाराणा उसकी कभी मरम्मत नहीं करवाएगा। मित्रों इसके साथ साथ तीसरी जो शर्त थी इस संधि की वो ये थी कि कुंवर कर्ण सिंह, मित्रों ये कर्ण सिंह जो थे अमर सिंह के पुत्र थे, कुंवर कर्ण सिंह जो है वो 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा, ये संधि की तीसरी शर्त थी। मित्रों चौथी शर्त की बात करें
चौथी शर्त ये थी कि मुगलों के साथ मेवाड़ के महाराणाओं को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि वैवाहिक संबंध जो है वो भी मेवाड़ जो रियासत है वो मुगलों के साथ स्थापित नहीं करेगी। इन शर्तों के अनुसार मित्रों महाराणा अमर सिंह व जहांगीर के मध्य 5 फरवरी 1615 को खुर्रम से मुलाकात कर मुगलों की अधीनता जो है वो अमर सिंह ने स्वीकार कर ली और संधि जो है वो पूरी तरह पूर्ण होगी। धन्यवाद मित्रों। अमर सिंह जो थे वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक थे। अमर सिंह के जीवन के अंतिम जो पल थे मित्रों वो बहुत ही दुख के साथ गुजरे, क्योंकि वो किसी भी हालात में जिस मेवाड़ रियासत ने इतने वर्षों तक मुगलों का सामना किया और अधीनता स्वीकार नहीं की, उसे आज अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर महाराणा अमर सिंह को उनसे संधि करनी पड़ी और इसी दुख से दुखी रहकर वो अत्यंत दुखी रहने लगे और राजपाट त्याग कर कहाँ चले जाते हैं, रासमन झील के किनारे एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मित्रों 26 जून 1620 को अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनका जो अंतिम संस्कार है आहड़ में किया गया। आहड़ में मित्रों मेवाड़ के महाराणाओं का क्या है, शमशान है। आहड़ जो है मित्रों वो उदयपुर में है और काफ़ी सालों तक आहड़ जो है मेवाड़ की राजधानी भी रहा, जहां पर प्रथम छतरी जो है बनी हुई किसकी है, वो अमर सिंह की है। इस तरह मित्रों मेवाड़ के अमर जो शासक वीर शासक जो थे वो अमर सिंह थे, जिन्होंने ना चाहते हुए भी जिन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।